बहुत ही दुखद हादसा। जम्मू के अखनूर क्षेत्र के पास एक बस दुर्घटना का हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस अलीगढ़ क्षेत्र के रहने वाले श्रद्धालु जो यहाँ इस बस में सवार थे, इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत सारे यात्रियों की जान चली गई और 60 के करीब करीब जो यात्री हैं वो घायल अवस्था में हैं। जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घायलों का उपचार चल रहा है। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोस वाक्या पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र अति शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनके जल्द स्वास्थ्य के लिए यहाँ हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का सहयोग जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। जिस प्रकार का भी सहयोग, चाहे ब्लड डोनेशन करके हमें ब्लड की ज़रूरत पड़े, हमने डॉक्टर्स को और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू और उनकी सारी टीम को बताया है कि किसी भी प्रकार का सहयोग कार्यकर्ताओं से या जो भी मानवीय सहायता की ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेंगे। आने वाले दिनों में जितने भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड डोनेशंस भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे और हर प्रकार का सहयोग प्रशासन को भी और इस दुर्घटना में जो पीड़ित परिवार हैं उनका हम सब करेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करता हूं कि जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई है और जो पीड़ित लोग हैं उनका जितना भी आर्थिक सहयोग हो सकता है हमें करना चाहिए। LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसकी घोषणा भी की है और भी जितना भी सहयोग प्रशासन से हो पाएगा वो किया जाएगा। है वो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, 80 के करीब करीब लोग इस बस में सवार थे जो कि उस बस की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। यकीनन इस मामले की छानबीन होगी, ज़रूर होगी कि इस बस की आखिर जांच और चेकिंग क्यों नहीं हुई। लेकिन चूंकि इस समय हादसे में घायल अवस्था में जो लोग हैं उनके उपचार की, उनके इलाज हमारी प्रायोरिटी है और जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिजनों तक उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाए, उनका हर प्रकार से सहयोग हो, इस समय सारा ध्यान हमारा उसी ओर है।